क्या धनपत, आज गुलाबों का गुलाबी नाच देखकर दिल गुलाब के फूल की तरह खेल उठा है। जियो जियो, जवाब नहीं तुम्हारा। अरे भाई, हमने तो तुम्हें कभी गुलाबों से, कभी कमों से और कभी चंपा से मिलाया, पर साले तुम्हारी शादी हुए 2 साल हो गए लेकिन कभी भाभी से नहीं मिलवाया है। बस इतनी सी बात है। अरे आज मिला देते हैं, चलो। अरे ओ शांति, मेरी धर्म पत्नी कहाँ है तू? ये है हमारी धर्म पत्नी शांति। नमस्ते। मेरा दोस्त धनपत। है ना चीज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मरी क्यों जा रही है? अरे यार धनपत, तू भी एक ऐसा हाथ मार ले, मोटा, डाउरी से भरपूर, बहुत फायदा है। किचन में खाना बनाने वाली, झाड़ू मारने वाली, कपड़े और बर्तन धोने वाली, और थक के कोठे से आओ तो जूते के साथ थकान उतारने वाली, और कहने को है बेचारी घरवाली। बेचारी घरवाली। बनठन के खड़ी हो, अपने किसी यार का इंतजार है क्या? जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। आज करवा चौथ है और मैं आप ही का इंतजार। तो ये करवा चौथ की थाली है? अरे मैं तो तेरे चौथे की थाली खाना चाहता हूँ। अब ऐसी लड़की लाऊंगा जो ढेर सारा दहेज लाए। तेरा बाप तो मक्खी चूस है साला। हटाई पत्थर की क्या पूजा कर रही है? पहले हमारी पूजा कर। चल। चुड़ैल, तुझसे मैंने कहा था अपने बाप के घर जाके पैसे ले आना, क्यों नहीं लाई तू? चल निकाल ये नेकलेस। नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। तू नहीं देगी? अरे तू क्या, तेरा बाप देगा। तू नेकलेस नहीं देगी तो दारू कहाँ से आएगी? है? बीबी जी। क्या है राम? बीबी जी वो जरा बनवारी के बेटे की तबीयत खराब है, मैं उसे देख के आता हूँ। अच्छा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। जी बहुत अच्छा। रामू जी, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बीबी जी बस में क्या और आया, आप खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लीजिएगा। अच्छा। आज घर में नाच गाना होगा, दारू का बंदोबस्त। आओ मेरी जान। नाचो। क्या लेने आए हो? जिस तरह एक भूखा शेर अपने शिकार को नहीं छोड़ता, उसी तरह अपने दोस्त की पत्नी को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, बहुत आती है, लेकिन वो मुहावरा है ना कि जिसने की शर्म उसके बूढ़े कर्म, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। चले जाओ मेरे कमरे से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं चिल्लाऊंगी। तुम चिल्लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारी चीख सुनने वाला यहाँ है कौन? तुम्हारा पति। वो तो खुद उस नाचने वाली के साथ शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा है। आ जाओ मेरी जान, आओ। शांति, तेरी मांग का सिंदूर मैला हो चुका है। तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। विजय, विजय। रामू, आप मेरी बच्ची को इस घर में मत रखना, इसको इसके नाना के घर पहुंचा देना। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कि इसकी शादी होगी, ये अपने पति के साथ हमारे उस पुराने पुरखों के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएगी। रामू, हम तो बेचारी हूँ, मुझे वचन दो कि मेरा सपना तुम पूरा करोगे, करोगे ना रामू? बोलो। बीवी जी, वचन दो, वचन दो रामू। हाँ बीवी जी, बीवी जी। अंजू बेटे, नाश्ता तैयार है। बेटे, बरसों से देख रहा हूं, कई हंटर बदल गए, कई पुतले बदल गए, लेकिन तुम नहीं बदली। रोज आना सुबह, यूं पुतले को हंटर मारने का तुम्हारा उसूल नहीं बदला। रामू काका, वो इंसान ही क्या जो वक्त और हालात के साथ बदल जाए। कुछ लोग मोहब्बत लेकर जीते हैं, कुछ लोग नफरत लेकर। किसी को अपनों से नफरत होती है तो किसी को गैरों से। और तुम्हें मर्दों से, जिसका सबूत दीवार पर लगी हुई ये तस्वीरें हैं जिन्होंने तुम्हारे हाथों सजा पाई है। तुम्हारी मर्द साथ से ये नफरत, बेटे, एक दिन तुम्हें अपने आप से बहुत दूर ले जाएगी। अपने आप से तो हम उसी दिन दूर हो गए थे जिस दिन हमारी माँ हमसे दूर कर दी गई थी। हमसे अपनी माँ को दूर करने वाले भी तो मर्द साथी है ना रामू काका? लेकिन बेटे, हर मर्द तो एक जैसा नहीं होता। और फिर अगर तुम इस तरह अपने दिल में मर्दों के लिए नफरत पैदा करती रही तो अपना घर कब बसाओगी? वो घर जिसे बसाने का सपना कभी तुम्हारी माँ ने देखा था। वो शादी का जोड़ा जो तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे लिए खरीदा था। वो सिंदूर की डिबिया जो तुम्हारी माँ का अरमान थी। बेटी, क्या तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करोगी? नहीं रामू काका, इस पुतले के जिस्म पर बरसता हुआ हर कोड़ा मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं तो और क्या है। लेकिन बेटे काका, जब तक मैं उस कमीने धनपत से बदला नहीं लेती, मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर, कल रात हमारे पीछे वही सीबीआई ऑफिसर विजय लग गया था। मतलब हमारा माल पकड़ा गया? नहीं सर, शीरू से चकमा देकर माल लेके भाग गया और उसने कामनी देवी के गोदाम में माल छुपा भी दिया। सर, ये सीबीआई ऑफिसर विजय तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। वो ऑफिसर हमारे गोदाम तक नहीं पहुंचेगा, समझे? मिलने को कई बार मिला है मौसम, यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम। तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम, तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम। यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम, यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम। तेरे होठों से तेरे होठों से तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम, तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम। यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम। फूल में रंग तेरा, चांद में सूरत तेरी। फूल में रंग तेरा, चांद में सूरत तेरी। आज दुनिया की हर एक शय है इनायत तेरी। आज दुनिया की हर एक शय है इनायत तेरी। फूल में रंग तेरा, चांद में सूरत तेरी। आज दुनिया की हर एक शय है इनायत तेरी। तेरे होने से तेरे होने से तेरे होने से तेरे आने से ही रंगी हुआ है मौसम, तेरे आने से ही रंगी हुआ है मौसम। यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम। दिल धड़कता है तो हो जाता है माहौल हंसी, दिल धड़कता है तो हो जाता है माहौल हंसी। वरना ये पेड़ ये झरने ये हवा कुछ भी नहीं। दिल धड़कता है तो हो जाता है माहौल हंसी, वरना ये पेड़ ये झरने ये हवा कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मोहब्बत की दुआ है मौसम। ऐसा लगता है मोहब्बत की दुआ है मौसम। तेरे होठों से तेरे होठों से तेरे होठों से तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम, तेरे होठों से हंसा है तो सजा है मौसम। यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम, यूं तो मिलने को कई बार मिला है मौसम। गीता, ए गीता, कहाँ खो गई हो तुम? चलो मुझे जाना है। मुझे अकेले छोड़कर? गीता, माना कि तुम मेरी जिंदगी हो, मगर जहां मैं जा रहा हूं वो मेरा फर्ज है। विजय, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कहीं कुछ। मेरा नाम विजय है और विजय विजय को अपने साथ लेके चलता है। विजय की ही सिर्फ विजय होगी। मिस्टर राजेश श्रीवास्तव, अदालत में इस तरह चीखने और चिल्लाने से थोड़ी देर के लिए अदालत का माहौल जरूर बदल सकता है, लेकिन कानून नहीं बदल सकता। योर ऑनर, ये मुजरिम कामनी देवी का कातिल है। 13 सितंबर की रात 10:15 बजे इसने कामनी देवी के घर में घुसकर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की, और जब कामनी देवी ने इसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया तो गुस्से में आकर मुजरिम राजेश श्रीवास्तव ने कामनी देवी का खून कर दिया। नहीं नहीं साहब, अपन ने कोई खून नहीं किया। कामनी मेम साहब तो अन्नदाता थी साहब, और अपन उनका खास वफादार ड्राइवर था। हाँ, तुम जैसे वफादार मर्द वफादारी का अमृत पिलाने के बाद ही गद्दारी का जहर पिलाते हैं। जज साहब, ये मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं सरकार? आप उन बहुत छोटा आदमी सरकार, आप उन बहुत गरीब आदमी सरकार, आप उन पे ऐसी झूठी तोमते मत लगा। आप उनने कामनी देवी का खून नहीं किया है सरकार, आप उनने कामनी देवी का खून नहीं किया है सरकार। माँ कसम खा कर कहता है सरकार, आप उनने कामनी देवी का खून नहीं किया है। आप उन बेगुनाह है सरकार, आप उन बेगुनाह है। एक मजदूर मालिक का खून कैसे कर सकता है सरकार? आप उनने कामनी देवी का खून। इस मुकदमे की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। May I come in, sir? Come in. Namaste. Namaste. वकील साहब, मैं आपके पास एक ऐसा केस लेके आई हूँ जिसमें मेरे बेगुनाह भाई पर खून का इल्जाम लगा है। आप किस केस के बारे में बात कर रही हैं? कामिनी देवी मर्डर केस। Oh no! जिस खूनी के खिलाफ सारे एविडेंस क्लूज पेश किए गए हैं, उसे आप बेगुनाह कैसे कह सकती हैं? इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। सुना है आपने आज तक जो के साथ में ली है, जीत आप ही की हुई है। आखिर मैं भी इंसान हूं, मैं झूठ को सच साबित नहीं कर सकता। I'm sorry young lady। लगता है हम माँ बेटे के नसीब में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आई थी, अब मेरे भाई को कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे भाई को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरे पुरखों ने ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया है कि मैं शादी ना करूं तो पूरी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती है, तो जाने दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। आखिर जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, वो मैं अपनी वकालत से कमा लेती हूँ। मैं शादी नहीं करूं नाना जी की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए। अगर मुझे किसी मर्द का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना पड़ता है तो मुझे इनकार है। मगर बेटी तुम। देखिए अंकल, मैं एक बड़े ही जबरदस्त मर्डर केस में उलझी हुई हूँ। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आई एम सॉरी। राम राम वकील साहब। राम राम। रामू काका जी, तुम इस घर में बाप की जगह हो, तुम अंजू बेटी को क्यों नहीं समझाते? वकील साहब क्या कहें, आप तो जानते हैं कि मर्द सास से नफरत के सिवाय ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। 2-4 बोल भी लेती है तो मुझसे या उस ड्राइवर से जो उसकी गाड़ी चलाता है। योर ऑनर, चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान, अमर और डिसूजा की गवाही और बयान के मुताबिक यह साबित होता है कि मुजरिम राजेश श्रीवास्तव ही अपनी मालकिन कामनी देवी का कातिल है। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस हवस और दौलत के पुजारी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर। जज साहब, मैं ये वकालतनामा राजेश श्रीवास्तव की तरफ से पेश करना चाहता हूं। एडवोकेट मल्होत्रा, आपका वकालतनामा मंजूर किया जाता है। यू कैन प्रोसीड। थैंक यू। योर ऑनर, सबसे पहले मैं कामनी देवी के नौकर को बुलाना चाहूंगा। गवाह को पेश किया जाए। मुलजिम राजेश को शराब या किसी नशे में धुत कभी तुमने देखा था? नहीं सर। या उसे औरतों पर बुरी नजर डालते हुए देखा था तुमने? नहीं सर। इतिहास गवाह है, मर्द की नियत बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने एक पल में अपनी नियतें बदली है, और फिर मुजरिम राजेश श्रीवास्तव एक मामूली सा ड्राइवर है, उसकी नियत बदलने में कितनी देर लग सकती है? योर ऑनर, एडवोकेट अंजलि देवी को कोई हक नहीं है इस तरह मर्दजात पर कीचड़ उछालने का। और मुजरिम राजेश जैसे लोगों को पूरा हक पहुंचता है कामनी देवी जैसे इज्जतदार औरतों पर अपनी मर्दानगी को आजमाने का? वारे मर्द साथ। एडवोकेट अंजलि देवी, इस अदालत में मुकदमा मुलजिम राजेश पर चल रहा है, मर्द जात पर नहीं। मगर खून करने वाला खूनी भी इत्तेफाक से मर्द ही है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस अंजलि, आप राजेश श्रीवास्तव का मुकदमा लड़ रही हैं। प्रोसीड मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो अमर जी, तुमने मुलजिम राजेश को कामनी देवी का खून करते देखा? नहीं साहब, तब हम मालकिन के लिए रसोई घर में दूध गर्म कर रहे थे। उस वक्त कितने बजे थे? लगभग 10। तब तुमने क्या देखा? साहब, जब हम मालकिन के कमरे में दूध का गिलास लेकर पहुंचे तब हमने देखा कि मालकिन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और राजेश उस लाश के पास खड़ा था। योर ऑनर, अब मैं कामनी देवी के घर के वॉचमैन डिसूजा को अदालत में पेश करने की दरखास्त करूंगा। इजाजत है? जिस रात खून हुआ जी, उस रात तुम कहाँ थे? साहब, उस दिन हमारे वाइफ का बर्थडे था, हम छुट्टी पर था। क्या मुलजिम राजेश तुम्हारी पार्टी में आया था? आया था साहब, लेकिन थोड़ी देर के बाद चला गया। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मुजरिम राजेश श्रीवास्तव उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गया क्योंकि उसे उस रात मौके का पूरा फायदा उठाकर कामनी देवी का खून करना था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल राजेश श्रीवास्तव पर यह इल्जाम है क्योंकि उस वक्त उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो उस पार्टी से जल्दी निकलकर डॉक्टर संजीव शर्मा के यहाँ अपनी माँ को ले गया था। लेकिन योर ऑनर, नौकर अमर के बयान के मुताबिक मुजरिम राजेश श्रीवास्तव 10 बजे कामनी देवी के कमरे में गया था। हाँ गया था साहब, मालकिन से दवा के लिए पैसे लेने गया था। और जब कामनी देवी ने इस पर तरस खाकर रुपए देने के लिए अपनी तिजोरी खोली तो मुजरिम राजेश श्रीवास्तव की नीयत बदल गई। इसने तिजोरी के सारे रुपए लूटने चाहे और जब इस मर्द ने कामनी देवी को रुपए लेने के लिए छुआ तो इस मर्द की नीयत उस औरत की जवानी पर चम गई और जो आदमी अपने माँ के इलाज के लिए रुपए मांगने गया था वो अपनी मर्दानगी पूरी करने में लग गया। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुलजिम राजेश के खूनी होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। गवाह है, ये ब्लड रिपोर्ट। योर ऑनर, कामनी देवी ने मुजरिम राजेश का शिकार बनने से पहले अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने राजेश को अपने नाखूनों से बुरी तरह नोच लिया था और ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक कामनी देवी के नाखूनों में पाया गया खून का ग्रुप बी पॉजिटिव है और मुजरिम राजेश श्रीवास्तव का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। दैट्स ऑल योर ऑनर। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत मुजरिम राजेश श्रीवास्तव को मौत की सजा देती है। नहीं! माँ! Congratulations, Miss Anjali. नाकामयाबी का बहुत अफसोस हुआ होगा आपको, लेकिन आपकी कामयाबी की खुशी भी नहीं हुई। अपनी हार पे कोई कैसे खुश हो सकता है मल्होत्रा साहब? नहीं, इसलिए नहीं कि मैं हार गया हूँ, बल्कि इसलिए कि अदालत में आप मुकदमा नहीं लड़ रही थी, बल्कि मर्दजात से लड़ रही थी। लगता है मर्दजात से आपको बहुत नफरत है। मिस अंजलि, दुनिया में हर मर्द बुरा नहीं होता और जिस रोज आपको इस बात का एहसास हो जाए आप मुझे याद कीजिएगा, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। दीदी, ये खूनी भी कितने खतरनाक लोग होते हैं, नहीं? अरे जब चाहा किसी की गर्दन उड़ा दी। अब देखिए ना, ये ड्राइवर राजेश हैं? अरे अपने मालिक को मारकर क्या मिला उसे? 11-12 के भाव में। मुझे तो तरस आता है उसकी अंधी माँ और मजबूर बहन पर। बेचारों का एक ही सहारा था, अब दर-दर की ठोकरें खाएंगे। डॉक्टर गीता, इन्हें दिमागी सदमा पहुंचा है। ऐसी हालत में इन्हें दवाओं से ज्यादा दिमागी सुकून और तसल्ली की जरूरत है। जिस घर का सब कुछ फांसी के फंदे तक पहुंच गया हो, उस घर में जीने वालों को तसल्ली कैसे मिल सकती है? अंजू बेटे, आखिर कब तक ये जंग लड़ती रहोगी? कब तक ये चलता रहेगा बेटे? हे भगवान, इस लड़की के दिल में मर्दों की दीवी नफरत को निकाल के मोहब्बत को जन्म दे दे। अंजलि बेटी, 7 दिनों के अंदर अंदर अगर तुमने कोई ठोस फैसला नहीं किया तो तुम्हारे नाना जी की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। मेरी जायदाद ट्रस्ट में चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने आप को, अपनी आजादी को किसी और के हाथों में किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। आपकी आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं रे, तेरी वजह से नहीं। तेरी मां को दिया हुआ वचन, उसकी आशाएं पूरे नहीं करवा सका मैं। इस घर में तेरी शादी के साथ फेरे, देवी को उस मंदिर में तुझे तेरे पति के साथ भेजने की मन्नत, कुछ भी नहीं करवा सका मैं। बस बेटे मैं काशी चला जाऊंगा, वहीं किसी मंदिर में अपना जीवन गुजार दूंगा बेटे। अंजलि बेटी, 7 दिनों के अंदर अंदर अगर तुमने कोई ठोस फैसला नहीं किया तो तुम्हारे नाना जी की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। तेरी मां को दिया हुआ वचन, उसकी आशाएं पूरी नहीं कर सका मैं। इस घर में तेरी शादी के साथ फेरे, देवी के उस मंदिर में तुझे तेरे पति के साथ भेजने की मन्नत, कुछ भी नहीं करवा सका मैं। मां, ये मुझे किस उलझन में डाल दिया तुमने? अब मैं क्या करूं? मिलॉर्ड, इसने सीमा अग्रवाल के घर में टीवी रिपेयर करने के बहाने घुसकर उन पर जबरदस्ती बलात्कार किया। ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त और घिनौनी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, ये वो दरिंदा है जिसने एक 6 साल की लड़की के गले से नेकलेस खींचकर उसका गला काट दिया। ये वो गुनाहगार है जिसने अपनी पत्नी को दहेज न लाने पर खुद अपने हाथों कमरे में बंद करके उसे जिंदा जला दिया। योर ऑनर, ये वो मुजरिम है जिसने अपनी ही मालकिन का खून किया। अब देखिए ना ये ड्राइवर राजेश, अरे यार, अपने मालिक को मार के गया ना 12 के भाव में। मुझे तो तरस आता है उसकी अंधी मां और मजबूर बहन पर। बेचारे, एक ही सहारा था उनका, अब दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस कैदी के खूनी होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसे पैरोल पे छुड़ाया जा सकता है। क्यों न मैं इसी से शादी का सौदा कर लूं? मैं उससे शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? जिसको तुमने फांसी की सजा दिलवाई, उसी के साथ अपना घर बसाओगी? अंकल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे मर्द जात से नफरत है, लेकिन अपनी माँ की तमन्ना पूरी करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अंजू बेटी, क्या वो कैदी राजी हो जाएगा इस सौदे के लिए? अंकल, अमीर लोग इसलिए बीमा करवाते हैं ताकि उनकी मौत पर उनके घर वालों को अच्छी खासी रकम मिल जाए। ये तो मामूली सा ड्राइवर है। इस सौदे के बदले में हम 5 लाख रुपए देंगे उसके घर वालों को। ये लोग इतने रुपयों के खातिर एक जन्म क्या 10 जन्म का भी सौदा करेंगे। आप आज ही उस कैदी के लॉयर से बात कीजिए। क्या वकील साहब, अपन क्या बोलता है वकील साहब? हाँ, ये सौदा बुरा नहीं है राजेश। तुम्हें इस जेल की चार दीवारों से बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा है। राजेश, तुम्हारे खूनी होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए तुम 2 हफ्तों के लिए पैरोल पे छुड़ाए जा सकते हो। मगर वकील साहब, हो सकता है कि तुम्हारी मदद से कामनी देवी के असली कातिल तक पहुंचने में तुम मेरा काम आसान कर दो, और फिर तुम्हें उस सरफिरी के साथ शादी के साथ फेरी तो लेने, उसके घर पे 2 हफ्ते रहना। अपन को 2 हफ्ते उसके साथ? देखो राजेश, फांसी तो तुम्हें कुछ दिनों में लगने वाली है, लेकिन इन दिनों में तुम्हारी जिंदगी का एक नया रास्ता भी बन सकता है, और अगर नहीं बना तो फिर अंजलि का साथ निभाने के बदले में तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या सोच रहे हो राजेश? ख्वाहिश, क्या कीमत है, क्या किस्मत है अपन की। पर वकील साहब, तुम्हारा बात सुन के अपन को भी अंधेरे में लाइट दिखना चालू हो गया है। यहां दस्तखत कर दो। वकील साहब, आप भी यहां साइन कीजिए। गीता भैया, भैया, भैया। कौन है गीता? माँ, मैं देखो भैया आए हैं। कौन? राजेश कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? तू आ गया बेटा। राजेश, राजेश, मेरे बेटे। मेरे लाल, मेरे बेटे। मैं जानती थी मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने खून नहीं किया, इसलिए तो जज साहब ने उसे छोड़ दिया है ना गीता? हाँ माँ। माँ, अपने को एक छोकरी ने छोड़ा है, उसका खुद का जिम्मेदारी पर। अब उनको उसके बदले में उसका काम करना पड़ेगा, और जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, अब उनको उसके घर पे रहना पड़ेगा। उसके घर रहना पड़ेगा? हाँ माँ। ऐसा कौन सा काम भैया? ऐसा ही काम है गीता, जिसका वास्ते अपन को उसी घर में रहना पड़ेगा। मगर वो लड़की है कौन? वो बहुत पैसे वाली देवी है माँ, ढेर सारा पैसा उसके पास। बेटा, बेटा तो जेल से छूट कर आया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? अब तो उस लड़के का काम पूरा करने के लिए उधर रहा तो कोई बात नहीं। अगर बेटे, काम से फुर्सत मिलते ही हमें मिलने जरूर आओगे ना? हाँ, हाँ। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम स्वस्ति अस्तु शुभम भवतु कल्याणम। वाह बेम साहब वाह, मरने से पहले अपन इतनी फर्स्ट क्लास जिंदगी जिएगा, लगता है ये तो जिंदगी देने वाले को भी मालूम नहीं था। ये क्या है? क्या है मेम साहब, लगन मंडप में बैठे बैठे बहुत देर हो गया था ना, इसलिए बीड़ी का तलब लगेला है। बुझा दो इसे। अभी मरवा देता हूं। मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? रामू काका जी? इसे इसका कमरा दिखा दीजिए। जी बहुत अच्छा। और इसे कह दीजिए कि मेरे कमरे की तरफ कभी ना आए। अरे अपन काय के ऊपर जाएगा? अपन को मालूम है अपन टांग परवरी है। बेटे चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बड़े बहादुर हो बेटे तुम, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? अरे काका इस दुनिया में जीने का यही सोच सोच के मरने का डर लगता है। जब मालूम है कि मरने का तो फिर डरने का क्या है? राजेश बेटे सोई नहीं अभी तक? क्यों क्या बात है? काका ये पुतला किसका है? ये बेटे बहुत लंबी कहानी है। ये बात तब की है जब अंजलि बहुत छोटी थी। अंजू, तुमने एक खूनी को अपने घर में लाया है, इसे अपने साथ रख लो। तुम्हारा जात पे जितना खुन्नस है वो मेम साहब इस पंटर पे हंटर मार के निकालती है। पर काका ये क्या जरूरी है कि हर मर्द बुराई चो? बेटे यही बात मैं उसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे काका काका अगर आप कहें तो अपुन समझाएगा इसको। अपुन इसके पत्थर के माफिक कड़क कलेजे को मस्की की माफिक नरम बनाएगा। अपुन के पास एक टपूरी स्टाइल है। अरे काका मर्द की इज्जत का सवाल है। अपुन इस वकील बाई को खंबे की तरह सीधा करेगा। अपुन सुधारेगा काका इसको। हाँ आयशा पत अपुन सुधारेगा। बेटे रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। जाओ शेरा वाली, अपुन के लिए तो अपुन की सबसे बड़ी जायदाद है, अपुन की माँ और बहन। उन्हीं के वास्ते तो अपुन जिंदा है। आशीर्वाद दे माँ, अपन सच्चाई की लड़ाई में कामयाब हो सके, अब उनके माथे से खूनी का दाग मिटा सके। वारे ऊपर वाले, जहाँ ढेर सारे खाने वाले हैं उधर खाने का दाना नहीं, और जहाँ दाने के बरोबर खाने वाले हैं उधर ढेर सारा खाना है। तेरी तकदीर छापने वाली मशीन में कुछ गड़बड़ है। हा? चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा। चलो ये लो नमक और काली मिर्च। मेम साहब आप उनको लगता है ये पुतला भी एक दिन मार खाते खाते फ्लैट हो जाएगा। रामू काका आयशा पत बकवास मत करो। अरे बकवास करना तो पुरानी आदत है, अपन ड्राइवर जो ठहरा। वैसे मेम साहब तुम कोर्ट में मर्द लोग को कानून के पॉइंट से मारता है, इधर घर में मर्द के पुतले को हंटर से मारता है। तुम क्या मर्द लोग को मारने के लिए पैदा हुआ? नहीं बेटे जूस। रामू काका जी इसे कह दीजिए मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। ओ मेम साहब, हाँ, वो क्या है कि इस बंद खोली में आप उनका दम घुटता है। आप उन ठहरे बचपन से ही आजाद, अब फिर फांसी से पहले आप उन थोड़ी बहुत हवाखोरी कर ले तो तुमको क्या वांदा है क्या? हाँ नारायण, अरे भगवान को क्यों बुलाती हो भाई? नहीं मेरा नाम भगवान है, मेरा मतलब मेरा नाम नारायण है जी। ये जहाँ भी जाएगा तुम इसके साथ रहोगे जी। अरे अरे दीदी मुझे किस कसाई के पल्ले बांध के जा रही है? अरे सुन मेरे बाप, अपुन जब भी तेरे को देखता है अपुन की जिंदगी गाड़ी झटके खाने लगती है। देख अपुन अपने बाप की इकलौती औलाद है और वो भी बड़ी मुश्किल से मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में मन्नत मांगने के बाद जमीन पे नीचे उतरा है। अब जल्दी वापस ऊपर जाना नहीं चाहता है। अपुन का नंबर मत लगा देना बाप। तू भी अपने को खूनी समझता है क्या? अरे खूनी को खूनी नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा भाई? आप उनको इंसान समझना यार। आ? क्या अपन ने कोई खून नहीं किया है। अरे हाँ? तो फिर कामनी देवी का खून किसने किया? अरे यही पता लगाने के लिए तो अपन को तेरे जैसे दोस्त की जरूरत है, बोल मदद करेगा? आ? अरे ऐसी बात है तो अपन तेरे लिए अपनी गर्दन कटवा देगा। ज़्यादा हो गया, मजाक कर रहा था। है चल आजा, हट हट, तू बैठ। अपन अब भाई कहाँ जा रहे हो? वो कामनी मैम साहब थी ना, ये उसका घर है, अपन होके आते हैं। भाई लेकिन हम अकेला कैसे जाने देगा तुमको? तू अपन का दोस्त है ना, और दोस्त की मदद। ओ हाँ हाँ छोड़, जरा जल्दी आना, अपन अभी है। तेरी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस होटल के सिल्वर जुबली फंक्शन पर हमारे सेठ धनपत राय जी इसी होटल में एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, भोजन। और हमारे सेठ जी का कहना है कि इस नए रेस्टोरेंट की शुरुआत किसी आम आदमी के हाथों रिबन कटवा कर की जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि इनकी नजर में एक आम आदमी एक खास आदमी की अहमियत रखता है। तो दोस्तों, आप में से कोई भी आकर ये रिबन काट सकता है। अपुन आता है साहब। क्या है सेठ? अपुन इस शहर का बहुत ही आम आदमी है। तुम्हारी क्या कानून की नजरों में भी बहुत खास आदमी बनने वाला है। वो कैंची किधर है? क्या सेठ पहचाना अपन को? अपन राजेश है। कामनी देवी के खून के जुर्म में अंदर गया था ना, अब बाहर आ गया है। क्या समझ में आया? हाँ? सेठ, अब ये नकली खूनी बाहर आएगा और असली खूनी अंदर जाएगा। उसकी उंगली से अंगूठी नहीं, उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल दो। किसी वीरान रास्ते पर हमारे इस नए दुश्मन के लिए शमशान घाट। अरे हट! क्या ये भाई, तुम क्या हवाई अड्डे पे झाड़ू लगाते थे क्या? झाड़ू? हाँ। आप उनका मतलब है कि आप क्या हवाई जहाज चलाता था क्या? अरे हाँ। अभी तो ये कोई स्पीड ही नहीं भैया। अच्छा? थर्ड गियर में जा रहा हूँ। हाँ। चौथे में डालूंगा ना तो रात चलते आदमी का थोबड़ा पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये औरत है कि मर्द और बच्चा है कि छक्का। अरे ये तो खड्डे है, वरना तो ऐसा ही। अरे अरे बाप, सब के सब नंबर ही। हाँ? इसलिए झटका भी नंबर का ही मारा बाप। अभी तो एक ही झटका लगेला है। ऐसे ऐसे फटके पड़ेंगे कि बोटी में से हड्डी निकल जाएगी और हड्डी में बोटी घुस जाएगी। कसाई की औलाद है क्या? देख, अगर तू राड़े की औलाद है तो अपन जल्लाद है। क्या समझा? ऐसा बावटा गुल करेगा कि माइम के सिग्नल पर कटोरा लेके भीख मांगेगा। हाँ, अगर हाथ बचेगा तो गारंटी नहीं है। क्या बोला बाप? गारंटी नहीं है। अरे बाप, लगता कटोरे की तुमको ज्यादा जरूरत है। पकड़ो। ए, राड़ा हो गया ना बाप, तेरे को बोला था हल्लू हल्लू चलाना। अरे हल्लू हल्लू में ये मेरा हलवा बना देंगे। मैं जा रहा हूँ। ये भी चला गया। अब तो कटोरा भी अपने हाथ और लपड़ा भी अपने साथ। कोई बात नहीं बाप, निपट लेंगे। दीदी आपका लाया हुआ किलर किलर ही नहीं फाइटर भी है। फाइटर? हाँ दीदी, क्या फाइट सीन हुआ। गुंडों की ऐसी धुलाई की जैसे धोबी कपड़ों की करता है। सिंगल गाल लेकर आए थे, मार खा खा के डबल रोटी की तरह डबल हो गए। दीदी अपनी एक टेंशन दूर हो गई, अपनी फिक्र हट गई। अभी कोई गलती से इस घर में चोर आ गया ना तो आपका लाया हुआ वो 9 मन का हथौड़ा उनको ऐसा मारेगा कि घोड़ा बना देगा। थैंक गॉड मेरा कोई तो रिप्लेसमेंट। ये सब क्या है? वो क्या है मैम साहब, अपन सच्ची बोलता है। वो गुंडा लोग अपन को इस दुनिया से गुल करने को आया था। अगर अपन जरा भी शराफत का सर्टिफिकेट दिखाता ना तो आज अपन घुस गया होता। जानते हो इतनी रात गए लोग तुम्हें इस हालत में मेरे घर में आते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? दाग लग जाएगा मेरी इज्जत पर। अरे सबसे बड़ा दाग तो अपन के माथे पर लगेला है। इधर खूनी का दाग। तुम वकील लोग डॉक्टर की माफिक आंख पर लगा दाग देखता है, दिल पर लगा नहीं। देखो ये घर जिसमें तुम सांस ले रहे हो इज्जतदारों का है, गुंडागर्दी करने वाले मवालियों का नहीं। इसलिए आइंदा ऐसे कीचड़ में कूदने से पहले सोच लेना कि दुनिया की नजरों में तुम फिलहाल मेरे पति हो। पति? वो पति जिसकी पत्नी विधवा होने की खुशी में सुहागन बनी है, जिसकी नजर में रुपए पैसे जायदाद के सामने सिंदूर सुहाग मंगलसूत्र कुछ भी नहीं, जिसकी नजर में अगर कोई कीमत है तो माल पानी की। खाली पीली बम मत मार मेरे साथ। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें किराए पर ले आई हूँ। तो तुम भी याद रख लो, खाली 2 हफ्ते के वास्ते। एक बात याद रखना, तुम्हें लड़ना है, झगड़ना है, जो कुछ भी करना है दिल खोल के करना। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद, मेरे कागजात पर दस्तखत करने के बाद। मुझे एक मौका दे दो बॉस, मुझे एक बार मौका दे दो बॉस। जो हमारे दुश्मनों को मिटाने में नाकाम हो जाते हैं आजाद, उन्हें माफी नहीं सजाए मौत दी जाती है। उस उबलते हुए एसिड में डालकर ऐसे पिघलाया जाता है कि शायद इंसान बनाने वाले को भी उस पर तरस आ जाए। मैक बॉस, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो बॉस। गुरबचन नहीं, नहीं, नहीं बॉस, नहीं, 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 कामनी देवी का कातिल? हाँ सर। कौन है वो सेठ धनपत राय साहब। सेठ धनपत राय? हाँ साहब। कौन है ये सेठ धनपत राय और तुम्हारे पास क्या सबूत है उसके खूनी होने का? सबूत है साहब, उसका ये अंगूठी। अंगूठी? लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये अंगूठी धनपत राय की है? उसका अंदर धनपत राय का फोटो है साहब। मिस्टर मल्होत्रा, माना कि उस ऑफिसर का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सजा भी मुझे ही मिले। मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगा मल्होत्रा साहब। तो आप अपने काले पैसे से मेरी वकालत का काला कोट खरीदने आए हो? लेकिन मिस्टर धनपत राय, मैंने जिंदगी भर केस ईमानदारी के लड़े, बेईमानी का नहीं। मजलूमों का साथ दिया है, मुजरिमों का नहीं। आप जा सकते हैं। देवेन, कम इन। यस सर। देवेन जी, कुछ महीने पहले एक मिस्टर धनपत राय किसी एक्सीडेंट की फाइल यहाँ छोड़ गए थे। जी हाँ, मुझे वो फाइल चाहिए। यस सर। लीजिए सर। हाँ? कामनी देवी का कत्ल 13 सितंबर को हुआ और इस अफसर का एक्सीडेंट भी 13 सितंबर को हुआ। इस पोस्टमार्टम के मुताबिक कामनी देवी का खून रात को 10:25 पर हुआ और इस अफसर का एक्सीडेंट 11:10 पर हुआ। लेकिन सर, हाँ? उस ऑफिसर का केस तो बंद हो चुका है। जानता हूं राजेश, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त हमारा साथ देने लगा है। शायद तुम गलत नहीं हो। हम इस अफसर के जरिए कामनी देवी के असली कातिल तक पहुंच सकेंगे। देवेन। यस सर। आई वांट टू रीओपन दिस केस। तुम एक नोटिस टाइप करो। सर, एडवोकेट मल्होत्रा का ये नोटिस आया है। ये नोटिस नहीं बल्कि वो कानूनी रास्ता है जिस पर धनपत राय को नंगे पांव चलवाकर एडवोकेट मल्होत्रा जेल की काल कोठरी तक नहीं, फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन हम पहुंचेंगे उसके घर तक। अंकल, जितनी जल्दी हो सके मैं इस आदमी को घर से निकाल देना चाहती हूँ। अंजू बेटी, तमाम कागजात तैयार करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, तब तक उसे बर्दाश्त करना ही होगा। बड़ा ही जाहिल और बदतमीज आदमी है। अंजू, कैदी शरीफ कहाँ से होगा? और वो भी ऐसा खूनी। हाँ, ऐसा खूनी। अपन के खूनी होने का सबसे बड़ा फायदा तो मेम साहब को हिला है कि नहीं मेम साहब? अंकल, इसे समझा दीजिए कि सब समझेला है। समझाने की जरूरत नहीं है मेम साहब। आप उनकी खोपड़ी की चौपड़ी में आपके साथ केला सौदे का एक एक बात अखबार के खबर की माफिक छपेला है। राजेश, तुम्हें अंजू के साथ पार्टी में आना है, मगर याद रहे वहां कोई बदतमीजी नहीं करना। बिंदास, आप उनको बोलो करने का क्या है, आप उन करेगा बस। बुलाने की क्या जरूरत थी? अंजू बेटे, मीना बेटी की सालगिरह है, शुभ दिन है, इसलिए बुला लिया। इसी बहाने उससे पेपर पे साइन भी ले लूंगा। देखा अंकल, कितनी बदतमीजी कर रहा है। ये मुझे आज यहाँ चैन से जीने नहीं देगा। चैन किसको मिला जमाने में? हर कोई है किसी निशाने में। राम मंदिर में, शेख मस्जिद में, आदमी है शराब खाने में। बहुत बुरे हैं, बोतल में जो भरे हैं माना बहुत बुरे हैं, काटे जो दूसरों को ऐसे छुरी नहीं है। जितनी बुरी है दुनिया उतनी बुरी नहीं है, जितनी बुरी है दुनिया उतनी बुरी नहीं है। बोतल में जो भरे हैं माना बहुत बुरे हैं। पहचानते हैं सारे सूरत को, लेकिन इसकी पहचानते हैं सारे। जो रोज बन के मारे वो तो गली नहीं है। जितनी बुरी है दुनिया उतनी बुरी नहीं है, मतलब की यारियाँ है, रिश्ते तिजारते हैं। मतलब की यारियाँ है, रिश्ते तिजारते हैं। ये भी है जहर वाली पर आदमी नहीं है। जितनी बुरी है दुनिया उतनी बुरी नहीं है, जितनी बुरी है दुनिया उतनी बुरी नहीं है। दोस्तों, टेबल पे खाना लगा हुआ है, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। वाह भाई वाह, क्या गाते हैं आप। आइए खाना खाते हैं। नहीं प्लेट लीजिए। नहीं, अब उन खाना नहीं खाएगा, थोड़ा सा खाइए ना। अब उन खाना अपनी बाइक को अपने पत्नी के हाथ का बना हुआ खाएगा। राजेश जी, खाना तो खा लो। नहीं मुंशी जी, आज अपन अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा। चल उठे गई चल हाथ का बना हुआ खाना। अब आज अपनी बाई को अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। तुम मेरी बाई को मैं दुनिया गाय को आज तेरे को दिखाना पड़ेगा और अब उन देखेगा क्या तू घर का काम कैसे करती है। चल किचन मारे। अब उनको बहुत भूख लगेला है। आज तेरे हाथ का खाएगा रोटी। चल किचन मारी। तुम्हारे लिए और मैं खाना बनाऊं कभी नहीं। जास्ती बंगस नहीं बोल। तू खाना पकाएगी क्या? नहीं नहीं लगता अब उनको अब टॉप गियर में आना ही पड़ेगा। 1 2 4 4 2 1 तुम रोज हंटर से पुतले को मार दियो ना। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। मारे चलना। अरे चलना तुम्हारी बाइक को उम्मीद सुझान बोला। तो शुरू हो जाओ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म रोटियां। मुझे खाना पकाना नहीं आता। तुम अगर खाना नहीं पकाएगा तो अपन तुम्हारे फिगर को डिसमेंटल कर देगा। यू नो तुम अपना कार्यक्रम शुरू करते हो कि अपन अपना कार्यक्रम शुरू करें। हाँ? Yes, 1 2 1 इधर क्या अंदर करती हो? आटा वेरी गुड फाइन। अच्छी लगती हो तुम। जल्दी करो। रोटी ला रोटी जल्दी। चल किधर? सोने को। नहीं तू अपनी पत्नी है और मैं तुझा पति नवरा। तुम्हारी बाइक को तुझा नवरा। छोड़ दो मुझे। अरे चल तुझा नवरा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेशेंट के जरिए मैं मुकदमे के तह तक पहुंच सकता हूं। मगर वकील साहब, मिस्टर विजय कुमार अपनी गुजरी हुई जिंदगी भूल चुका है। उस कार एक्सीडेंट के बाद लगता है उसे एक नया जीवन मिला है। आइए। इसकी याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश मैं भी कर लेता हूं। हेलो, आप कौन है? मैं एडवोकेट मल्होत्रा हूं। याद है कुछ महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? मेरा? इसे पहचानते हो? अंगूठी? हाँ, अंगूठी। किसकी है ये? उसकी तस्वीर इसके अंदर है, ध्यान से देखो। कुछ याद आया? जी नहीं। हाँ? ये है विजय कुमार के माँ बाप। नमस्ते। क्या आपके बेटे की कोई डायरी या ऐसी कोई खास चीज जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था? हाँ है, ये है वो फोटो जो वो हमेशा अपने पास रखता था। मैं और विजय कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। गीता, मुझे एक शक है। शक? हाँ, जिस जुर्म में राजेश को सजा हुई, उसी कत्ल वाली रात तुम्हारे विजय का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। क्या? और जिस जगह खून हुआ उसी एरिया में एक्सीडेंट भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा विजय ही राजेश की बेगुनाही का चश्मदीद गवाह है। अरे अपन इतनी जल्दी मरने वालों से थोड़ी है, वो तो वकील साहब है जो मजाक करते हैं। और फिर अभी तो अपन भैया, दुनिया जिंदगी के नाम पे मजाक कर सकती है, मौत के नाम पे नहीं। अपनी जिंदगी दांव पे लगा के हमारे लिए 5 लाख का इंतजाम किया है आपने। वाह भैया वाह, दूध पिलाकर अपनी औलाद को जिंदगी देने वाली माँ तो देखिए, लेकिन अपनी जिंदगी देखकर हमें जिंदगी देने वाला भाई तो पहली बार देख रही हो। बेटा, देख, तुझे अपने भाई की कसम है। अगर तूने माँ को ये सब कुछ बताया था भैया, सौंदे तुझे भैया। नमस्ते मल्होत्रा साहब। तुम? भाई मानना पड़ेगा, बड़ी जबरदस्त याददाश्त है आपकी। मेरे घर आने का मतलब? आपका दावतनामा यानी कि नोटिस। पहली बार मैं आपके दफ्तर आया था, मगर आज आपके घर मैं नहीं, आपकी किस्मत चलकर आई है। ये देखिए, पूरे 5 लाख हैं। मैंने सोचा ऑफिस में दे दूंगा, मगर क्या है कि नाम खराब होता है ना, इसलिए। तुम चाहते क्या हो? आपका मुंह मीठा करना चाहता हूं। हा? ताकि आपके कानूनी नोटिस से कहीं मेरा मुंह खट्टा ना हो जाए। ओह, तो तुम अपनी तरफ बढ़ती हुई बर्बादी को देखकर सौदेबाजी पर उतर आए हो। अब मल्होत्रा साहब, ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है। आप चाहें तो इसे सौदेबाजी समझिए या फिर किस्मत से जीती हुई बाजी। मिस्टर धनपत राय, इससे पहले कि घर आए मेहमान मुझे शैतान लगे और मैं इंसानियत को भूलकर वैश्यपन पर उतर आऊं, उठाओ अपने ये कागज के टुकड़े और दफा हो जाओ। मल्होत्रा साहब, लक्ष्मी को तो लोग सर आंखों से लगाते हैं और आप हैं कि धक्के देकर भगा रहे हैं। अब अगर ऐसे में लक्ष्मी को गुस्सा आ गया तो मतलब शराब। कानून के अक्षर तुम्हारी जायदाद नहीं है जो जब चाहे तोड़ दिए, जब चाहे पैसों से जोड़ लिए। इससे पहले कि मेरे दिमाग में तुम्हारी गिरफ्तारी का ख्याल आए, निकल जाओ यहां से। वकील साहब, एक बात याद रखिएगा, कानूनी चाल के हम बादशाह हैं। बस सिर्फ एक काला चोगा नहीं है हमारे पास, वरना सर से पांव तक चमड़ी ही नहीं, दिल, दिमाग और खून का हर कतरा काला है, सांप के फन से ज्यादा काला। हमारी रिश्वत को ठुकरा कर उस वकील ने अपने आप को हमारी दुश्मनी का शिकार बनाया है। वकील तो है ही साहब, उस ड्राइवर का सोचिए जो इस वक्त रास्ते का कांटा बन गया है। कांटा क्या, पूरी की पूरी जमीन उखाड़ कर फेंक दूंगा। सर, वो औरत उस ड्राइवर राजेश को साथ लेकर अपनी कोई मन्नत पूरी करने उसके गांव जा रही है। गुरबचन जी, लोहा गर्म है, इल्जाम ड्राइवर पर डाल दो, लड़की को उड़ा दो। किल है। बेटी, तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम अपने हाथों इस मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाओ, वो तुमने आज पूरी कर दी। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। ना बेटी ना, तुम पहली बार इस गांव में आई हो और इस गांव के बड़े ठाकुर साहब की पोती होने के नाते हम गांव वालों का भी तुम पर कुछ अधिकार है। तुम्हारे आने की खुशी में हम गांव वालों ने बहुत बड़े जश्न का प्रबंध किया है। आज भंग भी छनेगी और सोमरस भी। डम 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 डमरू बाजे, झूमे धरती अंबर, और शिव बूटी का अमृत पीकर अकल हुई छूमंतर। शिव शंकर की जय हो, शिव शंकर की। नारायण कहाँ है? वो नारायण था ना, उसने इतनी भंग पी ली कि वहीं हुड़ुच हो गया। गाड़ी रोको। क्यों? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। उतरो, पीछे बैठो। जवानी लूटेंगे। चलो। छोड़ दो। अपुन की मेरी साथ ले जाने से पहले अपुन की लाश पर मेम साहब थोड़ी दूर और। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे चला नहीं जाता। देखो मेम साहब, देखो अगर तुमको कुछ हो गया ना तो अपन दुनिया को मुंह क्या दिखाएगा। आजा मेम साहब। अपन की मेम साहब को ले जाने से पहले अपुन की लाश पर से गुजरना होगा। देखो अगर तुमको कुछ हो गया ना तो अपन दुनिया को मुंह क्या दिखाएगा। अंजलि, क्या सोच रहे हो अंजलि? जिंदगी का दूसरा नाम ही चाहत है और उस दूसरे नाम को अपनाए बगैर तो शायद भगवान के यहाँ दूसरा जन्म भी नहीं मिलता होगा। नहीं, ये तो हर किस नहीं मान सकती। मगर तेरे दिल ने तो मान लिया है। नहीं तो तेरा दिल तेरा रोम रोम मर्द साथ से नफरत करता है। करता है नहीं, था। वैसे नफरत ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। गलत, नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदल सकती। वो बदल चुकी है। अब तुझे भी अपने जीने का अंदाज बदलना होगा। खून का रंग बदल सकता है, जीने का अंदाज नहीं। लेकिन उसने तेरी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को खतरों में डाला है, अपना खून बहाया है और उन्हीं जख्मों ने तेरे दिल में उसके प्यार का घर बना लिया है। ये तेरा भरम है। सच्चाई को भरम का नाम देकर क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। नहीं, तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे नफरत करती हो। उससे मोहब्बत करती हो, नफरत करती हो। मोहब्बत करती हो, नफरत करती हो। मोहब्बत करती हो, नफरत करती हो। मोहब्बत करने लगी हो, मोहब्बत करने लगी हो, नफरत करती हो। मोहब्बत करती हो, मोहब्बत करने लगी हो। मैं उससे नफरत करती हूँ। 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 नहीं, 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 मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मारो मेम साहब, मार मार के आप उनके जिस्म से खून की एक एक बूंद निकाल लो, पर उसके साथ साथ अपने दिल से मर जात के लिए जो नफरत है उसे भी निकाल फेंको। देवी माँ, कल तक मैं मरसात से नफरत किया करती थी। एक मर्द का गंदा रूप देखकर सारे मर्दों को उसी रूप में देखती रही। औरत की सबसे बड़ी जायदाद तो उसका सुहाग होता है, उसकी मांग का सिंदूर होता है। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। मुझे शक्ति दे कि मैं अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं और उन्हें फांसी के फंदे से बचा सकूं। मुझे शक्ति दे देवी माँ। वकील साहब। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंजलि मेरे घर में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, सिर्फ अंजलि। मैंने इस्तीफा दे दिया है। आइए बैठिए। वकील साहब, याद है उस दिन आपने अदालत में कहा था कि हर मर्द बुरा नहीं होता? कितना सच कहा था आपने। हाँ याद है। राजेश को बचा लीजिए, मैं उसके बगैर। मिस अंजलि शर्मा, जिंदगी भर तुम मर्द को सजा दिलवाती रही, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मर्द ने तुम्हें सबसे बड़ी सजा दिलवा दी हो। तुमने उस इंसान की जिंदगी को मार के उसको मौत का नाम देना चाहा, और उसने तुम्हारे दिल से नफरत को मार के तुम्हें जीने का अंदाज सिखा दिया। वकील साहब, आपको राजेश को बचाना होगा। अब उसकी जिंदगी आप ही के हाथों में है। तुमने राजेश के खिलाफ सबूत और गवाह का एक ऐसा जाल बना दिया है जहां से मौत का देवता भी उसे बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वकील साहब जाके खबर दे दो। ड्राइवर आओ, मुझे मालूम था तुम यहां जरूर आओगे। मौत की तलाश में, और इस बार बचोगे नहीं। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती नहीं करना ड्राइवर। एक मिनट, वो देखो तुम्हारी लाडली बहन। गुरबचन ले चलो इसे। कामिनी देवी के ड्राइवर, कैसा लगा मेरा ये टॉप गियर? इंजन फेल हो गया ना तुम्हारा? आंखों में पूरी की पूरी सुर्खी। अभी से मत लाना, अभी तो बहुत सारे तमाशे देखने हैं तेरी इन आंखों ने। जॉन, ये है वो ऑफिसर, मेरे जुर्म का चश्मदीद गवाह। इसने मुझे कामिनी देवी का खून करते देखा था। उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। कमीने। गुड, वेरी गुड। मैं नहीं, इसे तुम मारोगे। ये लो चाबी, यहां से बाहर जाने के लिए नहीं, उस ऑफिसर को उड़ाने के लिए। नहीं, अपन किसी कीमत पर इसकी जान नहीं लेगा। अच्छा। लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे जैसे रेत कम होगी वैसे बोरी का वजन कम होता जाएगा, बोरी ऊपर जाएगी और तुम्हारी बहन नीचे उबलते हुए एसिड में। ये रही चाबी, ले लो। मुझे पहचान नहीं सकता, मगर मैंने तुझे पहचान लिया। कौन हो तुम? अपनी पहचान जबान से नहीं, कोड़ों की निशान से दूंगी। याद कर, 20 साल पहले ऐसी ही तूफानी रात थी जब तू अपने दोस्त ठाकुर भरत की हवेली पर आया था और उस हवेली की इज्जत पर अपनी गंदी नजरें डाली थी। तूने उस देवी की इज्जत लूटी थी। तूने एक धर्मपत्नी के आंचल पर दांत लगाया था। तूने उसकी पवित्रता को कुचला था, उसके जीने का हक छीना था, कमीने। याद कर कमीने, अपने उस पाप को। 20 साल एक रात भी मैं चैन से ना सो पाई। जानना चाहता है क्यों? क्योंकि मैं उसी अबला की बेटी हूं। आज एक बेटी अपने माँ की मौत का बदला लेगी, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुझे 20 साल पुरानी तूफानी रात याद दिलाने वाली, तूफान तो अब तेरे सीने में उमड़ेगा, मौत की दर्द की शक्ल में तड़पेगा। कामिनी देवी की मौत की तरह तुम सबकी जिंदगियों के साथ मेरे गुनाहों के तमाम सबूत मिट जाएंगे। ये आपने क्या किया? अब उनने जो भी किया ठीक ही किया मेम साहब। इस कुत्ते को सजा मिलना ही था। वैसे एक खून की सजा फांसी है मेम साहब, तो 100 खून की सजा भी फांसी है। अब उन्हें अपना काम कर दिया। नहीं राजेश, कामनी देवी के खूनी तुम नहीं, सेठ धनपत राय था। मुझे अच्छी तरह याद है उस रात जब मैं कामनी देवी के घर पहुंचा। तुम इतनी रात गए? जी हाँ, कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में सारे राज दफन हो जाते हैं। मैं आपको एक राज बताने आया हूँ। राज? कैसा राज? घबराइए नहीं कामिनी जी, जो बिजनेस में मैं आपको प्रॉफिट के पैसे बराबर देता रहा, इसमें गैर कानूनी धंधे का बहुत बड़ा हाथ है। गैर कानूनी धंधे? जी हाँ, वरना आपको आपके गोदामों का हजारों रुपया किराया कौन दे सकता था। मतलब तुम मेरे गोदामों में गैर कानूनी माल रखता हूँ कामिनी जी, मगर इतना खैर रहे कि पुलिस उन गोदामों की तलाशी ना ले सके। तुम मेरे गोदामों में स्मगलिंग का माल रखते हो और मैं खामोश रहूं? मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगा। मैं अपनी मोटर बाइक की तरफ दौड़ा। उसकी गाड़ियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को बचाने के लिए मैं भागने लगा तो धनपत ने अपनी गाड़ी से मुझे उड़ा दिया। वकील साहब, मेरे पास सेठ धनपत राय के खूनी होने के वो सारे सबूत मौजूद हैं जो राजेश को कामनी देवी के खून के इल्जाम से रिहा करवा सकते हैं। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मुलजिम राजेश श्रीवास्तव को कामनी देवी के खून के इल्जाम में सजाए मौत दी थी। सीबीआई ऑफिसर विजय के बयानात और वारदात की जगह मिली हुई धनपत राय की अंगूठी से यह जाहिर होता है कि यह खून राजेश श्रीवास्तव ने नहीं बल्कि मकतूल धनपत राय ने किया था। सेठ धनपत राय का खून राजेश श्रीवास्तव ने जरूर किया, लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो उस वक्त मौजूदा सभी लोगों की जान को खतरा था, इसलिए उसे मारने के सिवाय और कोई चारा न था। अदालत राजेश श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है। भैया राजेश, मेरे बेटे, आप उनसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। आप बहुत अच्छी हैं मैम साहब, आप बिंदास रहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट भूल जाइए। आप उनको आपसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। नहीं राजेश, नहीं। जिस एडवोकेट अंजलि के बारे में तुम जिक्र कर रहे हो वो अब नहीं। ये तो एक नई अंजलि है जिसे इस बात का एहसास हुआ है कि इस दुनिया में सारे मर्द बुरे नहीं हैं। इसे अपना लो राजेश, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है।